नहीं डराया नहीं गया, पूरे बोट डले हैं यहाँ उन्होंने के, 26 बोट हमारे साथ गए थे, 18 बोट उनके साथ गए थे। कैसे विकास कहाँ से हो गया? अब कैसे विकास होगा? विकास ऐसे होगा, हम लोग बैठ के रणनीति बनाएंगे, आगे चल के सभी सदस्यों की मीटिंग बुलाएंगे और जो हमारी मंशा होगी सदस्यों के विकास कार्य करेंगे। चकरनगर ब्लॉक प्रमुख का परिणाम आ चुका है, इस समय भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी राधा देवी विजय हुई है। मेरे साथ राधा देवी है, कितना प्रभावित थी, कैसे चुनाव जीता पूछते हैं। राधा जी कितने मतों से आप जीती हैं? 6 मतों से। किस तरह का विकास कराएंगी चकरनगर में? हर वर्ग अच्छा क्षेत्र के लिए कराएंगे। इस उपचुनाव में कितना संघर्ष हुआ आपके लिए? सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। आपको क्या लगता है कि अब ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो चकरनगर में पहले प्राथमिकता से होना चाहिए? ब्लॉक की जो दुर्दशा थी उसे पहले सुधारने के लिए करेंगे। मेरे साथ इनके समर्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, बताइए कि कितना चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी से समर्थित ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या लगा आपको कि कैसे? नहीं, चैलेंज तो बहुत बड़ा था और हम लोगों ने सब समाज ने मिलके उसको हटाने का काम किया और आज भी हम लोगों ने सब ने इनको बनाने का जो काम किया है, जो 26 इनके वोट आए हैं, 23 वोट, 6 वोट से हमने दर्ज किया है, उसमें सभी समाज के लोगों ने मिल करके, हमारे सभी समर्थकों ने मिल करके और भाजपा की जो विजय प्रत्याशी हैं राधा देवी, उनको जिताया है। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो BDC सदस्य थे उनको प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया, आपको क्या लगता? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ, उसमें से हमें तमाम वोट मिले। ऐसा भी बताया गया है कि यहाँ पर जो BDC थे उन्हें प्रशासन की तरफ से दबाव के साथ डराया भी गया? नहीं, डराया नहीं गया, पूरे वोट डले हैं यहाँ उन्होंने के, 26 वोट हमारे साथ गए थे, 18 वोट उनके साथ गए थे। कैसे विकास कहाँ से हो गया? अब कैसे विकास होगा? विकास ऐसे होगा, हम लोग बैठ के रणनीति बनाएंगे, आगे चल के सभी सदस्यों की मीटिंग बुलाएंगे और जो हमारी मंशा होगी सदस्यों के विकास कार्य करेंगे, जैसा भी होगा मिल करके सब लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से राधा देवी विजयी हुई और उन्होंने ब्लॉक की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए विकास की बात कही है। अब देखना होगा कि अपने आगामी कार्यकाल में किस तरह का यहाँ विकास होता है और कितना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख के पद पर खरा उतरती हैं। मैं अमित तिवारी, UP तक, इटावा।